क्या नाम है आपका? चिराग। अच्छा ये बताओ, अयोध्या के अंदर जो इस टाइम विवाद चल रहा है कि राम मंदिर बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? भाई नहीं बनना चाहिए। बनानी है, बनाओ, नहीं बनानी ना बनाओ। राम मंदिर बनना चाहिए भाई। क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई। वजह बताओ क्यों बनना चाहिए? वजह के दी जो पहले मान ले उड़े पहले मतलब आप जब हाँ धार्मिक स्थल है बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अगर मंदिर बनेगा तो अंदर भिखारी पैदा होंगे, क्योंकि हमारे एक और जगह होगी मथा टेकने के लिए। ये जगह जगह मस्जिद बनी है भाई, हमारे एक राम मंदिर में क्या उपेक्षा है भाई? इन्हें देखिए, राम मंदिर हमारे देश में बहुत सारे हैं, इनका युद्ध मुद्दा बना रखा है। बीजेपी ने वोट लेने का तरीका है कि राम मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर मस्जिद है और वो पंगा है, लेकिन इतने सारे मंदिर वो सारे राम के ही तो हैं। भाई साहब मेरा ये मानना है कि मंदिर कुछ नहीं है, एजुकेशन सोसाइटी बनाए, बढ़िया मेडिकल सोसाइटी दें इनको और रोजगार दें। मस्जिद हो मंदिर हो दोनों ही पूजनीय है, तो सबका अपना अलग अलग एक स्टेटस होता है। हमने पुजारी के रूप में सरकार बैठाती हो मंदिर में तो तैयार पक्ष में बेशक बन जा, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर 2.5 एकड़ जमीन है तो उसको क्या करो, हॉस्पिटल बना दो यार, कम से कम सबके लिए अच्छी फैसिलिटीज ला दो। अब वहाँ पे जाके धोख मार के आ जाएंगे, उसे तो कुछ नहीं होगा ना। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इस पे पॉलिटिक्स खेल रही है कि कोई कांग्रेस बीजेपी सब इस पे पॉलिटिक्स खेल रही है। हम तो एक बात कहना चाहेंगे, जो बनाना है बनाओ, ये यूं उसमें 5 साल तो उसने काट दिए, 5 साल इस सरकार ने काट दिए। देखो ऐसा भी हो सकता है, या तो कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि जो पूरी लैंड है उस पे हाफ पे मस्जिद बन जाए और हाफ पे राम मंदिर बन जाए, देखते हैं। तो भाई नाम क्या आपका? हितेश। ये बताओ कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? एज पर टू मी अगर स्कूल या कोई हॉस्पिटल बनता है तो ज्यादा बेटर है। राम मंदिर बनाएंगे भाई, क्यों स्कूल और वो बनाया हम? भाई सुन, अगर राम मंदिर बनता है तो चंदा आएगा ना वो सब वेस्टिंग में जाता है, कोई मतलब मेंटेनेंस सिर्फ उन्हीं की होती है। अगर हॉस्पिटल बनता है, राम मंदिर बनने से भगवान प्रकट नहीं होने वाले, राम मंदिर बनेगा। लिसन ब्रो लिसन, कोई वजह राम मंदिर बनने की? भाई हमारे प्रभु को जन्म हुआ था वहाँ पे, वो भी नहीं बनेगा क्या? अच्छा ये अच्छा छोड़ो प्रभु वहाँ पे कोई कौन तो? अच्छा राम जी के बारे में कोई 5 बातें बताओ। क्या बताओ? आपके प्रभु जी है ना, आप 5 बातें बताओ राम जी के। जैसे कि कौन सी बात होता हूँ? वो तो आपको बताओ ना कि प्रभु आपके हैं। राम मंदिर बनने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, अगर हॉस्पिटल बनता है वहाँ पे बच्चे पैदा होंगे, वो भी एक भगवान का ही रूप है और वो ज्यादा सही है। बताओ क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बहुत बड़ी बात कर गए तो। ठीक है, अयोध्या के अंदर इस टाइम जो विवाद चल रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो आपका क्या विचार है? भाई जो है मोदी जी ने जो करा 44 धारा हटा के वो बहुत बढ़िया काम करा है। धारा की बात नहीं कर रहे, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अच्छा राम मंदिर बनना चाहिए भाई। क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई। वजह बताओ क्यों बनना चाहिए? वजह के दी जो पहले मान ले उड़े पहले मतलब आप जब हाँ धार्मिक स्थल है, जब तक मतलब अपने भारत मुसलमान नहीं आए थे, जब तक अपने भारत मुसलमान नहीं आए थे तारे साहब मंदिर था, जो जिस टाइम पर आज के टाइम में जो अभी कोई मस्जिद है उड़ा सबसे पहले मंदिर था, कितने भी तैसा उठाकर देख लिए सबसे पहले वहाँ मंदिर था, तो मंदिर तोड़ गए जब ये वो बनाए गए थे भाई ये मस्जिद। ठीक है तो जो है वो राम मंदिर बनना चाहिए भाई। देखो भाई राम मंदिर तो बनना चाहिए, क्योंकि देखो राम भगवान की जगह है वो वाली, राम के अयोध्या है, अयोध्या में राम का ही हुआ था। ठीक है तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इस पे पॉलिटिक्स खेल रही है कि कोई कांग्रेस बीजेपी सब इस पे पॉलिटिक्स खेल रही है कि क्या बनेगा क्या नहीं, रोज इनके अभी तारीख पे तारीख बढ़ी जा रही है इनकी सब पे। बनना चाहिए भाई, हमारा हिंदू धर्म का जो महत्व है वो खत्म हो रहा है, मंदिर तो बहुत जरूरी है। कई लोग ये दावा करते हैं कि इससे लड़ाई झगड़ा भी बहुत बढ़ रहा है। कहीं नहीं बढ़ता लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं धर्मों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है ना, नहीं कोई लड़ाई का कोई। आपका क्या विचार है अंकल जी? हाँ जी मैं कह दिया कि बनना चाहिए बस, बहुत ज्यादा मैं वो सब नहीं नहीं और कोई एक्शन नहीं है बस। राम जी पैदा हुए हैं बनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। कई लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ स्कूल या हॉस्पिटल बना देना चाहिए, ये तो भाई सबसे बेस्ट बात तो यही है। हाँ ठीक है, जो सबसे बेस्ट बात है ना कि लखनार राम मंदिर बने और ना मस्जिद, भाई सबसे बेस्ट अस्पताल और स्कूल बन जाए भाई, इससे बढ़िया बात है नहीं। तो खर्चा होगा यार बहुत ज्यादा राम मंदिर में, यार बहुत घना खर्चा होगा मान ले, अगर खर्चा करना तो कोई सही जगह इन्वेस्ट करो ना पैसे ने। अगर मंदिर बनेगा तो अंदर भिखारी पैदा होंगे, अगर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या मेडिकल बनेगा तो अच्छे इंसान बने, जैसे डॉक्टर हो गए फिर कोई टीचर वगैरह, ये यूनिवर्सिटी बनाए तो ये निकलेंगे, वरना वैसे भिखारी निकलने फिर तो। नो आइडिया भाई। नहीं देखो राम मंदिर हमारे भारत में धार्मिक प्रवृत्ति का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, और हमारी भी आस्था है कि भाई हम हिंदू धर्म में हैं तो भाई राम मंदिर बनना चाहिए। इसका जो सबसे मेन जो लॉजिक है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये हमारे जो राम के हमारे पूर्वज हैं जो हम हिंदू धर्म से हैं,
तो उनकी पुश्तैनी जमीन है। इस पे बाबरी मस्जिद का इस प्रकार से जो अवैध रूप से जो मतलब कि ढांचा था वो गिरा दिया गया था, और हम तो इस बात के पूरे पूरे सपोर्ट में है कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। भाई जो राम मंदिर है जरूर बनना चाहिए, क्योंकि राम की वो जन्मभूमि होगी, जन्मभूमि होगी तो भाई निश्चित रूप से बनना चाहिए राम मंदिर, कोई सी बात है ही नहीं। और बाकी रही बात अब वोटों की बात आ गई, वोटों का यो सिलसिला है कि हर बार यो ही मुद्दा उठाया जा कि राम मंदिर बनाया गया फिर मस्जिद बनाएगी बाबरी, और यो चलता रहेगा। हम तो एक के बात कहना चाहवाँगे, जो बनाना है बनाओ, ये यूं उसमें 5 साल तो उसने काट दिए, 5 साल इस सरकार ने काट दिए, बस इस मुद्दे उठाए रहे हैं कि भाई आगे जाके बनावा बनावांगे यूं। बस दिक्कत वैसे एक बात बताऊँ, ये जो भाजपा सरकार है ये तकरीबन हमारे देश को धर्म के नाम पर बांट रही है। इनके इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि वह हम किस प्रकार से जातिगत समीकरण बना के, यदि आप उत्तर प्रदेश की बात ले लो, उत्तर प्रदेश में ये भाई जो यादव हैं अपने भाई, उनकी हिंदू धर्म के SC कास्ट के, BC कास्ट के, OBC कास्ट के, इनको तब सभी को मतलब कि एक दूसरे को झगड़ा करके या फिर उनके विचारों को आदान प्रदान करके, उनके विचारों को खंडित करके इन बांट दे हैं, और इन पे मुद्दे पे एक जो असली मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, और भाई और भी बहुत से रोजगार का मुद्दा होना, उस पे बात ना करके ये धार्मिक जो प्रवृत्ति के जो आदमी के ठेस पहुंचावे हैं उस पे, यदि हमारे हरियाणा की बात करो अपनी अपने जब उस टाइम पे या BJP सरकार आई थी, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ आए थे, उस टाइम पे जस्ट आते इन्होंने क्या कराया, राम मंदिर के लिए पत्थर मंगवा लिया। वो पत्थर आज तक मतलब वैसे के वैसे है, पत्थर उस टाइम मंगवा लिया, आज तकरीबन 3-4 साल तो हो गए होंगे UP में योगी सरकार ने, फिर भी कोई फैसला नहीं आया, कोर्ट तो कोई फैसला नहीं आ लिया, सुप्रीम कोर्ट तय पत्थर मंगवा कर टेक दिया, ठीक है बनावे आज बनावे कल बनावेंगे, मतलब इनका यो काम है। आगे जो इलेक्शन होगा उसके लिए भी राम का जो मंदिर है उसका मुद्दा तो होना चाहिए, बनना चाहिए। राम मंदिर बनने से क्या क्या फायदे होंगे ये बताओ? राम मंदिर बनने से बहुत फायदे होंगे। अब मान लो कि लोग देखने जाएगा, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो हमारे देश में मान के चलो रोजगार बढ़ेगा। वहाँ पर तो हमारा हक ही है, वहाँ पर राम जी का जन्म ही हुआ है, तो वो तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। अगर ना बने तो कोई इतराज होगा? बहुत इतराज हो जाएगा। अच्छा, बहुत जाएगा। कई लोग ये दावा करते हैं कि वह मंदिर ना बनकर स्कूल या हॉस्पिटल बना देना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको क्या राय है? हॉस्पिटल स्कूल के लिए तो बहुत जगह पड़ा है, जो राम जी का घर है वहाँ तो राम जी का घर बनना चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा मानना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर एक मंदिर के इशू पर रोज महीनों से बहस हो रही है, चर्चा का विषय है, लेकिन जो भुखमरी का इंडेक्स है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान की, शिक्षा स्वास्थ्य की, वो ज़्यादा चर्चा करने लायक है ना कि एक मंदिर का बनना। एक तरह से मैं मानता हूँ कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मेरा मानना भी यही है कि देश को और काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन करना चाहिए, जैसे भाई ने बताया कि हेल्थ है, एजुकेशन है, और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट में दिखाया कि हम हंगर इंडेक्स में काफ़ी नीचे रैंक करते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी प्रायोरिटी वाले हैं, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर से एक आस्था का विषय तो हो जाएगा पूरा, पर जो बेसिक नीड्स हैं एक ह्यूमन बींग की, हेल्थ की है, जैसे हमारे देश में एम्स बन तो रहे हैं पर वहाँ फैकल्टीज़ की कमी है, जो भी फंड वहाँ इन्वेस्ट होना है वो किसी एक कंजम्पशन इकोनॉमी की बजाय एक डेवलपमेंट इकोनॉमी में अगर वो कंट्रीब्यूशन हो तो बेटर होगा देश के लिए। अगर हम बात करें कि हिंदू की आस्था, मुस्लिम्स की आस्था, और बेसिकली अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जो मुद्दा चल रहा है वो एंटाइटलमेंट का है कि जमीन का स्वामित्व किसके पास जाए, उसमें आस्था वगैरह का कुछ जिक्र है ही नहीं। भाई अगर 2.5 एकड़ ज़मीन है तो उसको क्या करो, हॉस्पिटल बना दो यार, कम से कम सबके लिए अच्छी फैसिलिटी चला दो। अब वहाँ पे जाके धोख मार के आ जाएंगे, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। क्या होगा कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है भाई, था जो था, लेकिन एक थोड़ा सा ह्यूमैनिटी का भी तो पर्सपेक्टिव देखो। अगर किसी का भला होता हो तो वो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए उसको। टाइटल सूट का मामला है, वो ज़मीन किसकी है, मतलब उसमें 3 पक्ष हैं, स्वामित्व किसका है, निर्मोही अखाड़ा है और एक मुस्लिम पक्ष है, और एक जो रामलला कमेटी वगैरह है उसका है। जैसा कि भारत में संविधान के अनुसार हमको मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, और उसमें हमको बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि
स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग साइंटिफिक टेंपर की बात लिखी हुई है, और उसके साथ साथ जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उसकी रक्षा करनी है, और जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसको बढ़ावा देना है, न कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत इसको मतलब इस मुद्दे को उछाले जाना है। पहले भी इतिहास में भी हम देखते हैं कि भारत इन मंदिरों पर मतलब ज़्यादा फोकस के कारण एक जो आक्रमण अत्याचार हुए उन्हीं में लगा हुआ, और जो बाकी मुद्दे थे एकता के उनसे काफ़ी पीछे रहा। देखिए राम मंदिर हमारे देश में बहुत सारे हैं, इनका जो मुद्दा बना रखा है बीजेपी ने वोट लेने का तरीका है कि राम मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पर मस्जिद है और वो पंगा है, लेकिन इतने सारे मंदिर वो सारे राम के ही तो हैं, वहाँ पर भी वो भी तो राम मंदिर हैं, लेकिन इन्होंने जो असल मुद्दे उनको दबाने के लिए जैसे बेरोजगारी है, अच्छा जातिवाद फैलाना इनको, वो असल मुद्दे हैं वो तो छुपा रहे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे और राम मंदिर जैसे मुद्दों को ये हाईलाइट करना चाहते हैं। भाई साहब मेरा ये मानना है कि मंदिर मंदिर कुछ नहीं है, एजुकेशन सोसाइटी बनाए, बढ़िया मेडिकल सोसाइटी दें इनको और रोजगार दें, क्या राम मंदिर में क्या रखा है? तो मेन मुद्दा तो भगवान तो खुद आके ये नहीं करेगा कि मतलब ये वो मतलब उसको कर देगा भैया तू, वो तो काम है नहीं, क्यों हो जाएगा तुम्हारा? और जितने मंदिर वो कौन से संभाले जा रहे हैं, वो मंदिर भी ऐसे उनके जो मंदिर हैं जो अभी फिलहाल हैं, वो मंदिर कहाँ संभाले जा रहे हैं इतने? प्रवीण मलिक मेरा नाम है भाई। आपकी क्या राय है, राम मंदिर बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? ये जगह जगह मस्जिद बननी है भाई, हमारे एक राम मंदिर में क्या उपेक्षा है भाई? इनने दोस्त हमने पुजारी के रूप में सरकार बैठाती है मंदिर में, तो तैयार पक्ष में बेशक बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, हर ना तो कोई बनन दे ना बन दे भाई, हम तो हिंदू ही नहीं मानते अपने आप ना, ना हमारा कोई रिलीजन ना रिलीजन कुछ नहीं है भाई, या है बेवकूफ बना रही है, हमने कोई वोट चाहिए हमने हिंदू बना दिए है ना, वोट ना चाहिए तो विद्रोही बना दिए है। अगर एक हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो तो मंदिर है, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल अगर रीज़न देखें तो वो ठीक नहीं है, मतलब आप पॉलिटिक्स को घसीट रहे हैं, राम मंदिर को घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में, ये सब तो ठीक नहीं है ना, मस्जिद हो मंदिर हो दोनों ही पूजनीय हैं, तो सबका अपना अलग अलग एक स्टेटस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है मंदिर बन रहा है, पर पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए इसके लिए। पर एक वो है ना कि अब हमारी सभ्यता ऐसी है, हम हिंदू हम मंदिर के लिए सोच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो अगर वहाँ अब मंदिर पहले वहाँ था, उसको तोड़ा गया, दंगे फसाद किए गए, वो तो ठीक नहीं है ना, अगर उसके बेस पे हम जाएं तो मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, और अगर वैसे हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है मंदिर बनाना वहाँ हम और भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं जिससे सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा एक युवा होने के नाते अगर वहाँ पर मंदिर बनता है या नहीं बनता हमें कितना फ़र्क पड़ता है, आपको कितना फ़र्क पड़ता है? मंदिर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, कि मंदिर बनना ही चाहिए, अगर बनता है तो भी ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है।